कह रहे हैं कि जी अनका के बाल काटना कैसा जायज़ नहीं है, ये दाढ़ी में दाखिल है। आजकल जो दाढ़ियाँ मौलाना लोग भी रख रहे हैं ना, अजीब स्टाइल की दाढ़ियाँ रख रहे हैं, पूरी दाढ़ी रखते हुए भी पता नहीं क्या टेंशन हो रही है, ये समझ से वाला तर है। जब आपने दाढ़ी रख ली है तो छोड़ दो उसको, रख लो तमीज़ से भाई। एक मुझसे ज़ायद आप यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी, तो या तो इधर से इतनी छोटी रखी हुई है, ये ख़त ऐसे बना के अजीब चांद जैसे चेहरे बना रहे हैं, अजीब से गोल गोल से ना, जैसे कटोरा रख के और वो खींचा और फिर जो बाल आ रहे हैं वो काट दो। तो ये इससे अच्छा नहीं लगता आदमी, जो नेचुरल बाल है ना दाढ़ी के उसको छोड़ दो अपने हाल पे, समझते हैं? कुछ नहीं हो जाएगा तो थोड़ा सा खाल और अगर छुप जाएगी तो, क्योंकि आप औरत तो बन नहीं सकते अब, या तो वो करो जो होता है ना, जब बिल्कुल वो जो बिल्कुल ही जाके वो जो ब्यूटी पार्लर में कर रहे होते हैं, फिशल कर रहे होते हैं, हाँ, या तो वो काम करो जाके। जब वो नहीं कर सकते तो फिर प्रॉपर तरीके से दाढ़ी रखो यार, जो दाढ़ी के जब एक रोब है तो फिर पूरी दाढ़ी रखो ना सही तरीके से। इतना पता नहीं है ये सोसाइटी से मुतासिर हो गए हैं, लिबरल लोगों से मुतासिर हो गए हैं, छोड़ दो यार। एक हदीस में आता है, जो ज़ाक़तअमल ईमानी मर्रज़ी बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। इस्लाम की मिठास वो चखेगा जो अल्लाह को अल्लाह मान ले, इस्लाम को इस्लाम और नबी को नबी मान ले। तो एक दफ़ा जब फैसला किया है ना दाढ़ी रखने का, तो तमीज़ से रख लो दाढ़ी, समझ रहे हैं? जहाँ अजीब चीज़ उलमा भी नज़र आ रही है, यूं यूं करके यहाँ यहाँ तक, हमारी तो है ही छोटी सी, तो ऐसे काट रहे हैं ना यहाँ यहाँ से, देखा होगा आपने, इसको भी उड़ा देते हैं यहाँ से, और समझ रहे होते हैं हम खूबसूरत लग रहे हैं, वो लग नहीं रहे होते खूबसूरत ज़रा भी। अल्लाह ताला ने हर आदमी को उसके चेहरे के हिसाब से बाल दिए हैं, तो इसमें जो कुदरती वज़ा क़ता है ना उसको बरकरार रखो। हाँ, एक मुझ से ज़ायद आप काटना चाहो तो काट सकते हो, उसमें भी लोग ये कर रहे हैं, यहाँ से बढ़ा लेते हैं, इधर से फिर छोटी छोटी की हुई है, वो भी अच्छी नहीं लग रही होती, तो ना इधर के ना उधर के, बस ऐसे ही। फिर किसी को बताओ कि आप ये क्यों काट रहे हैं तो बहस करना शुरू कर देता है फिर वो, इसकी दलील लो। दलील काटने के जवाब की होनी चाहिए कि इसकी दलील क्या है कि ये जायज़ है काटना, समझ में आ रही है बात? दलील इसकी इस उससे मांगी जाएगी जो काट रहा है, कि हदीस में तो एफा और लहा का हुक्म है ना, लहिया तो पूरे पर इतलाक होता है, तो एफा का मतलब बढ़ाओ उसको, तो आप जो काट रहे हो उसकी क्या दलील है आपके पास? चले आगे, बाकी जो ऊपर का खत बनाना, यहाँ बाल आए हुए, गुंजाइश तो है इसकी, लेकिन क्या ज़रूरत है इसके बनाने की यार? साहबा में तो नहीं मिलता कि मैं वो खत बनाया करते थे भाई। जो ऊपर के बाल है ना वो उसकी गुंजाइश दी जाती है ये कह के कि लहिया, नीचे जो जबड़े पे बाल होते हैं ना उनको लहिया कहा जाता है ना, लहिया तो जबड़े को कहा जाता है ना, तो जबड़े पे जो बाल होंगे वो लहिया होंगे ना, जो इधर आ गए तो वो लहिया थोड़ी है। तो इस दलील की बेस पर गुंजाइश दी जाती है कि फतवा इसी पर दिया जाता है कि ऊपर के बाल काट लो। लेकिन एक बात है, दो बातें यहाँ पर हैं। नंबर एक ये कि लहिया जबड़े को तो कहा जाता है, लेकिन इस दलील में एक थोड़ा सा एक इश्काल ये होता है कि लहिया कि जब दाढ़ी पर इतलाक होगा ना, तो जो भी बाल पूरे आ रहे हैं वो सारे अरब में दाढ़ी ही में समझे जाते थे, समझ में आ रही है बात? दूसरी बात ये कि हमें सहाबा से नहीं मिलता ये खत बनाना इस तरीके से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया एफा उल लिहा का, एफा का माना भी अपने हाल पर छोड़ दो उसको, तो उसमें फिर ये इसके उमूम में, इसके ज़ाहिर में यही है कि उसको छोड़ दिया जाए बिल्कुल। हाँ, अब अहले हदीस हजरात का जो मसलक है वो इस हदीस के मुताबिक बिल्कुल ठीक है कि एफा का माना क्या है, छोड़ दिया जाए। अगर हमारे पास मजीद कोई दलील ना होती तो हम इसी के कायल होते, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अनु का अमल है कि वो एक मुझसे ज़ायद बाल काटते थे और कोई साहबी उन पर एतराज़ भी नहीं करते थे, तो हमने कहा कि हमने कि एफा के जो असल है ना, एफा अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, तो उसमें इतना तो साबित होता है ना कि इधर उधर से ना काटा जाए। काटने का जो जवाज़ अब्दुल्ला बिन उमर के अमल से साबित हो रहा है, वो सिर्फ एक मुट्ठी से जायद बालों को काटना साबित हो रहा है, यानी लंबाई में तो आप छोटा कर सकते हैं, दाएं बाएं खत बना के जैसे कटोरा रख के वो खींचा और यहाँ से भी उड़ा दिया और इधर से भी, पता नहीं क्या क्या अजीब सी दाढ़ियाँ आ रही है मार्केट में। चलें, नहीं जानवर लगता इंसान गाल छुपने से, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई जानवर नहीं लगता, बिल्कुल सही लगता है इंसान। आप अफगानिस्तान में देखो वहाँ और जाओ, उलमा जो है ना ऐसे बुजुर्ग लग रहे होते हैं, उनके माशाल्लाह पूरे चेहरे पे बाल होते हैं, इतनी उनमें नूरानियत पैदा होती है। जानवर नहीं लगता दाढ़ी रखने से, इंसान में
जानवर जब लगेगा जब आड़ी तिरछी तरीके से काटेगा उसको, वरना दाढ़ी का प्रॉपर नूर ही उस वक्त आता है जब पूरे बाल हो यहां पर और ऐसे घनी दाढ़ी हो। हां जब लगता है जब सर के बाल भी यहां तक और मूछे भी यहां तक और दाढ़ी भी यहां तक, फिर लगता है झाड़ियों से कोई बंदा झांक रहा है। तो इस्लाम ने मूछों को कम करने का हुक्म दिया ना, दाढ़ी से कभी भी इंसान में देखने में वो दुम्मा नहीं लगेगा, दाढ़ी से नहीं लगता। दाढ़ी भी बड़ी हो मूछे भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई हो फिर लगता है। तो मूछों को काटने का हुक्म दिया, दाढ़ी को बढ़ाने का। दाढ़ी से तो नौरानियत है, खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आपकी घनी दाढ़ी थी तो घनी दाढ़ी तो यही होती है जो जो बड़ी दाढ़ी होती है। चलें, बिल्कुल असल बात यह कि हम ना मुतासर हो चुके हैं उस तहजीब से लाशोरी तौर पर, तो उस तहजीब से मुतासर हो गए तो वो पूरे नहीं तो थोड़े थोड़े उधर थोड़े थोड़े इधर। चलें, फिर भी जो फतवे की रूह से ऊपर के बाल काटने की गुंजाइश है, मैं उस फतवे को तो नहीं चेंज कर सकता जो मुफ्ता भी कौल है, हमको इतने बड़े फंटर तो नहीं है, लेकिन उस पर एक बहरहाल इतना तो मुफ्ता भी पर ही अमल करो ना, इतना तो नहीं ना कि वो नीचे आ जाओ। अब तो जो है ये जो ऊपर वाला जबड़ा है ना, इसके नीचे जो बाल नीचे वाले जबड़े पे बाल होते हैं वो काट रहे हैं लोग, तो वो फतवा के जो रूह से जिसकी गुंजाइश दी जाती है उससे भी नीचे को आ गए हैं, समझते हो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ एहतियात इसी में है कि मुकम्मल छोड़ दो अपने हाल पे। चलें, जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान का फासला ज्यादा था, यानी सीना आपका कुशादा था। चले सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल थे दो कानों की लौ तक पहुंचते थे। जी जी, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख जोड़े में देखा, तो ये यमनी जोड़ा था जो मुकम्मल सुर्ख नहीं था बल्कि इसमें सुर्ख धागे थे, तो धारीदार चादर जिसे कहते हैं, तो मुकम्मल सुर्ख पहनने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को मना किया है। लम अरा शैअन क़त्तु अहसना मिन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा हसीन मैंने देखा नहीं, या उस चादर की तारीफ़ कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मैंने हसीन चादर देखी नहीं। वक़ाल यूसुफ इब्न अबी इसहाक़ अन अबीही इला मन की बईही, और दूसरी रिवायत में है कि आपके बाल आपके कंधों तक थे, तो इससे मालूम होता है कि नॉर्मली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल यहाँ तक रहते थे, जब बड़े होते थे तो यहाँ तक पहुँच जाते थे, जब यहाँ तक पहुँचते तो आप काट के दोबारा कानों की लौ तक ले आते। बाकी मसले की रूह से बड़े बाल रखना, वो कंधों से नीचे रखना भी जायज़ है, कंधों से नीचे रखना भी जायज़ है, लेकिन यह कि बेहतर यही है कि कंधों से नीचे बाल काट दिए जाएं। चलें, जितने वह मर्द के बढ़ते ही नहीं है इतने, ख्वातीन के बाल बढ़ते हैं। चलें, कहते हैं हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तलवार जैसा चमकदार था? फरमाया, ला बल मिसल अल कमर, ना 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 ना, तलवार जैसा नहीं बल्कि चांद जैसा। कैसी बेहतरीन तशबीह दी ना, चमकती।